नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और खुशहाल होंगे। लिए बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक भर्ती पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। UGC नेट रिजल्ट पर बड़ी खबर आई है। बात करेंगे डेंटल सर्जन के पदों पर एक भर्ती की बात आई है। बात करेंगे GIC शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। बात करेंगे फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की जो तैयारी है वो आखिरकार योगी सरकार के द्वारा की जा रही है। वरिष्ठता सूची की बात करेंगे प्रमोशन से रिलेटेड, तो पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज की तमाम खबरों से आपको तुरंत रूबरू करवाए देते हैं। जितने साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो न्यूज लगी हुई है आप देख सकती हैं, एक अंक मामले में हाईकोर्ट ने दी एक हफ्ते की मोहलत। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक अंक वाले को लेकर के पूरी तरीके से मामला काफ़ी समय से लंबित है, और चूंकि हाईकोर्ट ने एक हफ्ते की अब मोहलत दी है, सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद में दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले के आदेश के तहत सरकार की ओर से अपनाई जा रही कार्रवाई की प्रक्रिया का ब्यौरा पेश करने को सप्ताह भर का समय दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार व अन्य पक्षकारों से रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई की प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा था। जैसा कि डियर आप जानते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में दो बड़े मामले फंसे हुए हैं, एक मामला 6800 शिक्षक भर्ती की सूची को लेकर का था, जिसको लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। लेकिन दूसरा जो मामला है वो एक अंक वाला है, क्योंकि इसमें एक प्रश्न पूरी तरीके से गलत था, जिसके चारों ही विकल्पों के उत्तर गलत थे, और एक अंक सभी को कॉमन करने की बात की गई थी हाईकोर्ट ने। अब हाईकोर्ट वही पूछ रहा है बार बार कि इनको आप नियुक्ति पत्र कब देंगे, जबकि एक अंक से वंचित शिक्षक साथियों का जो प्रत्यावेदन है, फार्म है, वो सब कुछ PNP कार्यालय प्रयागराज के द्वारा फिल करवा लिया गया है, लेकिन अभी तक इन्हें अपनी जो नियुक्ति पत्र का इंतजार है। उम्मीद करता हूं कि इनको एक सप्ताह के अंतर अंतर सरकार कहीं ना कहीं कुछ बड़ा एक्शन जरूर लेगी, क्योंकि एक सप्ताह ने हाईकोर्ट ने फिर मोहलत दी है। हाईकोर्ट लगातार कह रहा है कि इनको जो है आप भर्ती प्रक्रिया तुरंत दीजिए नियुक्ति, लेकिन सरकार के सामने दो बड़े विकल्प इसलिए हैं, इसलिए इनको नियुक्ति नहीं दे रही है, समय मांग रही है, क्योंकि हो सकता है कि जो 6800 की शिक्षक सूची खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट के द्वारा रद्द की गई है एकल बेंच के द्वारा, मामला माने डबल बेंच जाए और वहाँ से उनकी जीत हो जाए, तो फिर मेरिट किस प्रकार से निर्धारित कराई जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल हो सकता है सारे स्तर पर। इसीलिए इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को अभी नहीं दी जा रही, बल्कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर के और समय की मांग लगातार की जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन एक नंबर वालों को नियुक्ति पत्र कब और किस प्रकार से देगी योगी सरकार। बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर आप देख सकते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाला शिक्षक होगा बर्खास्त। दरअसल ये महाराजगंज से प्रकाशित न्यूज है। आपने देखा था कि प्राथमिक में कई सारे हमारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी जो जाँचें हैं वो लगातार की जा रही हैं, और निश्चित तौर पर आप ये देख सकते हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाला शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं बर्खास्त होगा। लगातार इस तरीके की न्यूज आपको देखने को मिल रही हैं। शिक्षकों के प्रमोशन की तैयारी हो गई है, वरिष्ठता का पता नहीं है। आप जान रहे हैं कि जो शिक्षकों का प्रमोशन है प्राइमरी से जूनियर में, पूरी तरीके से वो नियम के विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि ऐसे कई शिक्षक साथी हैं जो कहीं ना कहीं अपर का TET पास नहीं है, फिर भी उनके प्रमोशन की तैयारी शासन स्तर पर की जा रही, तो निश्चित तौर पर ये अवैध है, क्योंकि NCT की जो गाइडलाइन है वहाँ पर साफ साफ मेंशंस है कि UPTET जूनियर का क्वालिफाइड टीचर ही जूनियर में कहीं ना कहीं प्रमोशंस ले पाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस पर क्या आगे कुछ विवाद आता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शिक्षकों के प्रमोशंस की जो तैयारी है वो सरकारी स्तर पर पूरी तरीके से कर ली गई है। वरिष्ठता सूची का कोई अता पता आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो UGC नेट 2023 का आज घोषित होगा परिणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट 2023 के परिणाम बृहस्पतिवार को जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। जो हमारे UGC के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि NTA 13 अप्रैल तथा UGC नेट का परिणाम घोषित करेगा। आप जानते हैं कि अब कंबाइंड विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक परीक्षाएँ होती हैं, और इस परीक्षा को पास करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो स्वास्थ्य विभाग में डेंटल सर्जन के 174 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डेंटल सर्जन के 174 पदों पर जो भर्ती का रास्ता है
पूरी तरीके से साफ हो गया है। इसका अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो जीआईसी शिक्षक भर्ती 2018 की जारी होगी दूसरी सूची। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2018 के रिक्त रह गए पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वितीय सूची जारी करेगा। तो आप जान रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेजों में 15 विषयों के लिए सहायक अध्यापक पुरुष के 5,364 और महिला के 5,404 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आयोग ने मार्च 2018 में जारी किया था। अंतिम परिणाम 2019 और 20 में जारी किया गया। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कुछ अनुपस्थित रहे, इसलिए संस्कृत गणित जीव विज्ञान शारीरिक शिक्षा संगीत उर्दू और गृह विज्ञान विषय के रिक्त रह गए पदों पर आयोग ने 2021 में द्वितीय सूची जारी कर दी थी। उसी तरह सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी हिंदी कंप्यूटर विज्ञान कला वाणिज्य कृषि में अभ्यर्थी रिक्त पदों पर द्वितीय सूची जारी करने जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जीआईसी शिक्षक भर्ती 2018 की जो जारी होगी अब दूसरी सूची। बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो नए 9 डिग्री कॉलेज खुलेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की अनापत्ति समिति की मंजूरी के बाद रास्ता साफ हो गया है और कहीं ना कहीं जो नए डिग्री कॉलेज हैं 9, उनको खोलने पर सरकार की जो संस्तुति है पूरी तरीके से प्राप्त हो गई है। डियर बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो लर्निंग डीएल के लिए परीक्षा अनिवार्य होगी। लाइसेंस बनवानों को आवेदक के लिए कम से कम 60% अंक लाना होगा जरूरी। 2 घंटे की परीक्षाएं देनी होगी। तो आप देख सकते हैं इससे फर्जीवाड़े पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए युवाओं को अनिवार्य रूप से परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 60% अंक उनको हर हालत में लाने होंगे। डियर तो ये आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो था। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सवाल अगर आपका अभी भी इनसे रिलेटेड छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।